नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते थे टूथब्रश का बिजनेस शुरू करना तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिखना है कि आप किस तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हर तरह की जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको और बताते हैं कि आखिर टूथब्रश का बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए टूथब्रश के बिजनेस को लेकर सबसे पहले बात रॉ मटेरियल की कर लेते हैं। इस व्यापार के लिए कच्चे माल के रूप में हैंडल बनाने के लिए प्लास्टिक, ब्रिसल बनाने के लिए नायलॉन के वायर और पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक कवर आदि की जरूरत होगी। इसके अलावा इस व्यापार को चलाने के लिए मशीन, बिजली, पानी और मशीनों के सेटअप के लिए जगह का भी प्रबंधन करना होगा। टूथब्रश बनाने की प्रक्रिया, टूथब्रश बनाने की प्रक्रिया कुछ आसान स्टेप्स में बता रहे हैं जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हैंडल मोल्डिंग। ब्रश बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्लास्टिक को गर्म करके उसे तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर इसे सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है और उचित शेप दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मशीन द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे ठंडा होने के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके बाद इस हैंडल पर रबड़ का कवर चढ़ाने का काम भी इसके जस्ट बाद मशीन द्वारा ही किया जाता है, जिससे ब्रश की पकड़ अच्छी बनने लगती है। फिलिंग मशीन। पहली प्रक्रिया में ब्रश के हैंडल पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद अब उसमें ब्रश के दांत, जिसे ब्रिसल कहा जाता है, उसे लगाने का कार्य किया जाता है। ब्रश में लगाए जाने वाले ये ब्रिसल मुख्यतः नायलॉन के बने होते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक तरीके ब्रश के हैंडल पर लगाया जाता है। मशीन द्वारा ब्रश पर ब्रिसल सेट करने की प्रक्रिया किसी इंसान द्वारा किए गए कार्य से बहुत तेजी से की जाती है। ट्रिमिंग। अब इसकी तीसरी प्रक्रिया में इन ब्रिसल्स की उचित शेप और साइज में कटिंग की जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग तरीके से सफाई करने के लिए अलग अलग ब्रश तैयार किए जाते हैं। टूथब्रश की पैकिंग। बाजार में वही माल बिकता है जो अच्छा दिखता है, इसलिए इन टूथब्रश की पैकिंग की बहुत जरूरत है। इस प्रक्रिया में टूथब्रश को कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के पारदर्शी बॉक्स में पैक किया जाता है और अब ये ब्रश मार्केट में भेजने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है। मशीन खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टूथब्रश बनाने के व्यापार पर निवेश। अगर आप अपने बिजनेस के लिए 7 लाख की मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अतिरिक्त 1 लाख का वर्किंग कैपिटल और 1 लाख की जगह, बिजली, पानी संबंधित अन्य खर्च सहित इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 9 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। टूथब्रश व्यापार में लाभ। अगर आप प्रतिदिन लगभग 2000 ब्रश का निर्माण करते हैं और इसे मार्केट में दुगनी कीमत पर बेचते हैं तो अपने अन्य खर्चों को काटने के बाद आप महीने में कम से कम 1 से 2 लाख का प्रॉफिट कमाकर एक फायदे का सौदा कर सकते हैं। तो देखा आपने, टूथब्रश का व्यापार शुरू करना एक फायदे का सौदा है और अगर आप सोच रहे थे तो आपके सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।